औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड क्षेत्र के एक गांव से इंटर क्लास की दो छात्राएं रफीगंज के डॉक्टर विजय सिंह महाविद्यालय में किसी कार्य से गई और वहां से दो बाइक पर चार युवकों के साथ दोनों निकली। एक छात्रा कुछ देर के बाद बेहोशी की अवस्था में डाक बंगला के पास निजी रेस्टोरेंट के पास पाई गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया। डॉक्टर एके केसरी द्वारा प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए औरंगाबाद रेफर किया गया। डॉक्टर केसरी का कहना है कि नशीला पदार्थ से छात्रा बेहोश है। फिलहाल कोई और मामला प्राथमिक जांच में नहीं आया है। बेहोशी अवस्था में छात्रा तीन युवकों का नाम ले रही थी। चर्चा है कि डाक बंगला के पास एक निजी रेस्टोरेंट में चार से पाँच युवकों के साथ गई है। वहीं से खाना पीना के साथ नशीला पदार्थ का सेवन किया गया है। अनुमान है कि छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर गलत हरकत किया गया हो। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। छात्रा के मेडिकल जांच रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। वो कुछ खाना के साथ उसको खिला दिया गया है। क्या खिलाया गया है? क्या खिलाया गया है ये पता नहीं चलता है। वो बेहोशी हालत में आई, हमने उसको ऑक्सीजन वगैरह दिया, सलाइन दिया, तो फिर होश में आ गए। होश में आने के बाद बोल रहे ऐसे मुँह से गंध नहीं आ रहा है, लेकिन क्लोथिंग था, फैन था, तो हम लोग समझे कि ये कुछ ना कुछ खिलाया गया है। गैंगरेप के मामला आ रहा है सर, इसमें क्या उस पर क्या बोल रहा है? नहीं वैसा कोई बात नहीं, क्या स्थिति है सर युवती की? ये अभी तो पहले से स्थिति अच्छा है, हम इसको रेफर किए हैं ताकि आगे जाकर के अच्छा ट्रीटमेंट।